हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज बनाने वाले हैं हम गाजर मटर और हरे प्याज की स्वादिष्ट सब्जी। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल वाला आइकन जरूर दबा के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मटर छीले जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि सीजन के पहले मटर हैं और मटर, गाजर और पत्ते के प्याज की स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो रही है। गाजर धोई जा रही है अच्छी तरीके से। इसमें यहाँ पे हमने हरी मिर्ची, लहसुन, ये सारे हरे सामान हम लेके आए हैं सुबह सुबह मंडी से। सुबह के 9 बज रहे हैं। ये सारा हरा सामान हम छील रहे हैं। ये गाजर की ऊपरी परत को अपन छील लेंगे। यहाँ पे मटर मैंने आधा किलो लिए हैं और 1 किलो गाजर लिए इसमें, और मिर्ची, हरी मिर्ची इसमें बहुत कम डलती है, 7 से 8 हरी मिर्ची काफ़ी है इसमें। लहसुन भी बहुत कम मात्रा में डलता है, 1 से 1 या 1.5 लहसुन बहुत है इसमें। ये मटर और गाजर को हम अच्छे से छील लेंगे और इस तरीके से आप जैसा देख रहे हैं गोल गोल करके काट लेंगे। मटर हमने छील लिए पूरे और गाजर, ये देख सकते हैं हम, लहसुन मैंने बहुत कम मात्रा में लिया। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं डलते हैं और वैसे ही सब्जी ये स्वादिष्ट बनती है। ये हरी मिर्ची आप देख सकते हैं मैंने 5-7 ही लिए। इसको गोल गोल अपन काट लेंगे इतनी सी। ये हरे प्याज लिए मैंने, हरे प्याज को धो लिया है पहले। धोने के बाद अब इसमें ऊपर से साफ करके इस लंबे आकार में इसको काट लेंगे। नीचे का पार्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, बस इतना ही पार्ट लूँगा, बाकी नहीं लूँगा। जी तकरीबन मैंने 250 ग्राम लिए हैं पर ये डलेंगे 100 ग्राम ही। अब इसके अपन ने हरे पत्ते के प्याज के स्लाइस कर लिए हैं, धनिया टूट चुका है। ये सारी सब्जी कट के तैयार है। अब बारी आई लहसुन की। लहसुन को अपन अब इमाम दस्ते की मदद से कूट लेंगे। चलिए अब आते हैं चूल्हे की कहानी पे। ये चूल्हा हमने जला लिया अपना देसी जुगाड़। ये आ गई अपनी हांडी। जिस सारे मसाले मैंने एक साथ ले लिए हैं सब एक एक करके आपको बताऊंगा कौन सा मसाला और कौन सी सब्जी किस समय डलती है। ये हमने तेल डाल दिया यहाँ पे, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तकरीबन 300 ग्राम ये ऑयल है। तेल में जैसे उबाल आएगा ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें इसमें डलने वाली है। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं जीरा। सबसे पहले जीरे का इसमें छौंक लगेगा। तेल हमारा उबल चुका है।
ये डाल दिया हमने हमारा कार्डिमम सीड्स, जीरा, बहुत ही सुंदर चूल्हे के आँच जलती हुई। जैसे जीरा अपना ब्राउन होगा सबसे पहले डालेंगे अपन इसमें गाजर के कटे हुए पीस, ये 1 किलो गाजर है मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि गाजर हार्ड होती है इसलिए पहले इसको डालना पड़ेगा। इसको 5 से 7 मिनट अपन चलाएंगे जब तक ये थोड़ी ढीली नहीं पड़ जाए। चूल्हे की फ्लेम कम ज़्यादा तो होती नहीं है पर इसमें तेज़ी चाहिए, मतलब अब यहाँ पे ले रहा हूँ मैं हरी मिर्ची जो मैंने 5 से 7 ली थी, गाजर हमारी तकरीबन आधी पक चुकी है, ये मिर्ची इस साइज़ की लंबी लंबी काटी है मैंने, दो मिनट तक इसको चलानी है। जैसे कि आप गाजर का शेड देख सकते हैं कि आधी वो पक चुकी है, मटर को पकने में टाइम नहीं लगता इसलिए अपन सबसे लास्ट में डालेंगे। ये आ गए हमारे पास हरी पत्ती के प्याज जो कि देखने में बहुत ही शानदार लग रहे हैं, ये डाल दिए हमने हरी पत्ते वाले प्याज, ज़्यादा समय नहीं चलाना है इसको, इनको डाल के वन बाय वन हल्की हल्की से पकते ही नेक्स्ट आइटम आते जाएंगे। जी देखिए मसाले लिए मैंने, ये सबसे पहले मैंने डाल दिया कूटा हुआ लहसुन जिसमें मैंने 1 बड़ी इलायची साथ में कूटी थी वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिया था धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लास्ट में आ गए अपने ये मटर, मसाले में अच्छी सी खुशबू आने चालू हो गई है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा मैं जिससे कि गाजर पूरी पक जाए क्योंकि मटर को पकने में टाइम नहीं लगता। अब इसको 2 से 5 मिनट अपन चलाएंगे, चूल्हे की फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल धीरे है, मध्य आँच में पकेगी अभी। लास्ट में रह गए हमारे मटर राम जी, चलो आप भी जाओ। ये मटर हम सारे डाल देंगे इसमें, आधा किलो मटर लिए थे मैंने, ये अब इसको 5 मिनट तक चलाएंगे। मसाले की कोई ज़्यादा कहानी है नहीं इसमें, नॉर्मल मसाले ही डालते हैं। आप अगर तीखा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढक देंगे अपन 5 से 7 मिनट के लिए जो भाप में सारी सब्जी पक के तैयार हो जाए। तो चलिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं अपनी सब्जी का हाल, देखते हैं कितना बढ़िया कलर आया और ये सब्जी पक के हो गई तैयार। ये परोसी जा रही है, हम देख सकते हैं कितना अच्छा शेड आया इसका और गाजर मटर का कलर कितना शानदार लग रहा है देखने में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये धनिया के इसमें डाला है अपन ने पत्तियां और ये सब्जी अपनी रेडी हो चुकी है, देखने में मज़ा आ रहा है यार। बाकी सब्जी में भी अपन धनिया डाल देंगे, पानी बहुत कम रहता है इसमें। चलो आ जाते हैं अब रोटी के मुद्दे पे, जो सब्जी के साथ तो चाहिए चाहिए। मैंने आटा ले लिया, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लो जितना आप खाते हो, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, कई जगह लोग रोटी में नमक डालते भी नहीं है।
आज हम बनाने वाले बाजरे की रोटी। अब बाजरे का आटे की अलग टेक्निक होती है कि एक साथ नहीं लगता, इसका रोटी बाय रोटी आटा लगता है। और ये हमारी दादी जी हैं, ये एक एक रोटी आपको बना के दिखाएंगी कि किस टाइप से बनती है। बाजरे का आटा है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक डोल इन्होंने बनाया। वन बाई वन करके इनका डोल बनता है, नहीं तो ये रोटियां फट जाती है बाद में अगर एक साथ आप आटा लगा दोगे तो। ये दादी जी है जो इसकी रोटी बना पाएंगी हाथ से, ना कोई चकला ना कोई बेलन। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से रोटी गोल की जा रही है। ऐसी टेक्निक से हर कोई रोटी नहीं बना पाता। चूल्हा हमारा चल रहा है, ये ले लिए अपने मिट्टी की, जिसे हम तवा कहते हैं हमारे गांव में, तो इसे तवा ही कहते हैं, पर मिट्टी वाला तवा होता है इसको, मैं भूल गया क्या बोलते हैं, केलड़ी, हमारे राजस्थान में इसको केलड़ी बोलते हैं। एक तरफ से रोटी सीखने के बाद दादी जी ने पलट दिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वन बाय वन करके इसका डोल बनता है, ये दूसरा डोल तैयार हो रहा है, और वो हाथ की मदद से इसको गोल किया जा रहा है, और हाथ से ही बनाएंगे इसको, ना कोई बेलन ना कुछ। ये मिट्टी की केलड़ी है इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है सीखने में रोटी। अब आप देख सकते हैं जैसे कि पीछे से सीखना चालू हो गई है। और चूल्हे पे बनी हुई रोटी का तो स्वाद ही अलग है। अभी नीचे से अंगारे निकाले जा रहे हैं, जिससे हमारी पहली वाली रोटी इस पे अंगारों पे सिकेगी, जिससे बढ़िया कड़क हो जाए शानदार खाने में। बाकी बची हुई रोटी इन अंगारों पे सिकेगी, जिससे कि बिल्कुल एकदम कड़क रोटी हो जाएगी। दुकान पर तो यहाँ नहीं है, वो बुराज में दुकान है ना कुश्ती, अब दुकान नहीं खुली सुबह सुबह, तो लाते तो इन लकड़ियों के कोयले हैं जिस पे आँच पे रोटी सेकी जा रही है, और ऊपर अपनी नेक्स्ट रोटी का नंबर आ चुका है। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई हो रोटी सीखने की, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएगा, और कमेंट में बताएं कि आपके वहाँ ऐसी रोटी कहाँ और कैसे बनती है। हमारे राजस्थान में तो ऐसे ही बनती है। फर्स्ट वाली रोटी नीचे सिक रही है, सेकंड वाली का ऊपर हिसाब किताब चल रहा है, ये नीचे कोयले पे सिक रही है। एक पन दो काज हो रहे हैं, ऊपर भी रोटी नीचे भी रोटी। आधी ऊपर सिक के कच्ची सिकी हुई है, नीचे बाकी है कोयलों पे सिक रही है। पीछे से देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से सिक चुकी है। ये रोटी सिक के आ चुकी है अपनी। अब इसमें लगाएंगे अपना देसी घी, इसमें खड्डे कर लेंगे जिससे कि ये घी अंदर तक पहुंच सके। ये चम्मच की मदद से खड्डे कर रहे हैं, जिससे घी अच्छी तरीके से, और क्या खुशबू आ रही है इनकी, देसी घी और बाजरे की रोटी बहुत ही शानदार।
और इसको उड़ाएंगे अपन गाजर मटर के साथ। गाजर मटर की टेस्टी विलेज रेसिपी, चलो शुरू करते हैं। कैसी बनी है? ये आ गई हमारी सब्जी, ये हमारी बाजरे की रोटी घी लगी हुई। बाजरे की रोटी पे वाह क्या कलर है और क्या टेस्ट आने वाला है। ये रोटी के ऊपर डाल दी है सब्जी। लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। ये बाकी रोटियों पे घी लग रहा है। अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से हमने इसमें छेद कर लिए और उसको घी पिला रहे हैं पूरा दबा के। ये आ गई हमारी और गाजर मटर की और पत्ते वाले प्याज की टेस्टी रेसिपी। ये मैंने मूली काट रखी है सलाद के अंदर, सब्जी में नहीं डलती है कहीं पे भी है। तो चलो अटैक करो। ये बात कैसी बनी ये भी बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।